अंटार्कटिक बर्फ की अलमारियां लगभग 300 वर्षों से पतली हो रही हैं। शोधकर्ताओं ने अपने विश्लेषण को बनाने के लिए हिमनद पिघल पानी के निर्वहन का 6250 वर्ष का रिकॉर्ड बनाया। आजकल नियमित खबर है कि अंटार्कटिक या आर्कटिक में बर्फ की अलमारियां कितनी तेजी से पिघल रही हैं, या ठंडे समुद्र में तैर रहे विशाल खंडों को शांत कर रही हैं। दोष ने जलवायु परिवर्तन की ओर इशारा किया है। हालांकि नेचर में गुरुवार को प्रकाशित एक नए अध्ययन ने बताया कि अंटार्कटिक बर्फ की अलमारियां लगभग 300 वर्षों से पतली हो रही हैं, और हो सकता है कि इन बर्फीले खंडों को अधिक तेजी से ढहने की संभावना हो। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं की टीम को पिछले बर्फ के बड़े नुकसान को देखना था और फिलहाल बर्फ की अलमारियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है देखना था। तो विलियम डिकेंस की अगुवाई वाली टीम ने ग्लेशियल मेल्टवाटर डिस्चार्ज का 6250 साल का रिकॉर्ड इकट्ठा किया। वे आइसोटोप ऑक्सीजन वेरिएंट एकल कोशिका वाले शैवाल का विश्लेषण करके ऐसा करने में कामयाब रहे जो अंटार्कटिक प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी सिरे पर पानी के नीचे तलछट कोर में संरक्षित थे। जब आप कम आइसोटोप दर का सामना करते हैं तो इसका मतलब है कि मीठे पानी का एक उच्च निर्वहन है। वर्ष 1400 के बाद के वर्षों में हिमनद पिघले पानी के स्राव में बढ़ती मात्रा देखी गई, जो 1706 में अपने चरम पर पहुंच गया। एक और अवधि जब निर्वहन विशेष रूप से 1912 के बाद उच्च था। अंत में शोध के निष्कर्षों ने बताया कि इस क्षेत्र में लगभग 300 वर्षों से बर्फ की अलमारियां पतली हो रही हैं। यह बदले में ग्लोबल वार्मिंग होने पर उन्हें और अधिक आसानी से ढहने का पूर्वाभास दे सकता है, जैसा कि अभी हो रहा है। अध्ययन लेखकों का मानना है कि पतले बर्फ की अलमारियों के कारण का हिस्सा दक्षिणी एनोलर मोड एसएम के कारण है, एक जलवायु चालक जो ऑस्ट्रेलिया में वर्षा और तापमान में वृद्धि को प्रभावित कर सकता है।